नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबर के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। वागड़ के सभी शिवालयों पर महाशिवरात्रि की रही धूम। शिवालयों पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शिव के जयकारों के बीच हजारों की संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। वागड़ के प्रयाग बेणेश्वर धाम पर भी महाशिवरात्रि पर ब्रह्मा मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा के संचालक दीनबंधु त्रिवेदी ने अपने पिता गौरीशंकर त्रिवेदी के जन्म दिवस पर ब्रह्मा मंदिर बेणेश्वर धाम पर महाशिवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए फलाहार व शुद्ध ठंडे पानी की व्यवस्था की। महाशिवरात्रि पर्व पर बेणेश्वर धाम आदिवासियों की आस्था का केंद्र और हिंदू संस्कृति का प्रतीक कहा जाने वाला त्रिवेणी संगम जहाँ पर ब्रह्मा मंदिर स्थित है, इस मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं बेणेश्वर धाम, जहां पर हमारे रिपोर्टर दीपक उपाध्याय बेणेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उपस्थित हैं। बेणेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं दीपक जी। दीपक जी बताएं इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह का माहौल है? सर यहां पर अभी भी बहुत सारी भीड़ है। महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है जो पूरे दिन भर चला। सुबह प्रातः 8 बजे से यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए पब्लिक इकट्ठी हुई। यहाँ पर 3 मंदिर है, बेणेश्वर शिवालय ट्रस्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर और एक ट्रस्ट मंदिर है। जी जी। अभी फिलहाल हम ब्रह्मा जी के मंदिर पे खड़े हैं, जहाँ पर जिला हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर दीनबंधु जी त्रिवेदी, उनके पिताजी गौरीशंकर जी त्रिवेदी की जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हजारों लोगों के लिए फलाहारी खिचड़ी की व्यवस्था की गई, जिसमें काफी लोगों ने फलाहार का लाभ लिया। जी जी। तो दीपक जी, कितनी संख्या में लोग वहाँ पर आज मेले जैसा माहौल है या किस तरह का माहौल है? ऐसा माना जा रहा है कि सुबह से लगाकर शाम ढलते हुए यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक नजर आ रही है और अभी भी यहाँ मेले सा माहौल है। शाम ढलते ढलते और भी पब्लिक आने की संभावना बताई जा रही है। तो अभी जो कार्यक्रम है उसकी औपचारिकता पूर्ण कर दी गई है, कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कर दी गई है या चल रहा है कार्यक्रम? अभी भी कार्यक्रम यथावत चल रहा है। अभी दोपहर के लगभग 3 बजे और अभी भी दर्शनार्थियों के लिए भीड़ का तांता लगा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ भीड़ बनी हुई है और ब्रह्मा जी मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फलाहार की व्यवस्था की गई। सभी दर्शनार्थी भी मास्क बांधकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। इधर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील अंतर्गत कटकेश्वर महादेव मंदिर पर भी शिव भक्तों की रही भीड़। एक तरह से पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा, दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए शिव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर शिव के जयकारों के साथ लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शिव मंदिर में दर्शन किए। कटकेश्वर शिव मंदिर पर उपस्थित ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि इस बार सरकार की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम निरस्त किया गया है। पूरे दिन लोगों ने दर्शन कर शिव के जयकारे लगाए और विश्व शांति की कामना की। देखिए पूरी रिपोर्ट। दर्शन करी, बार 5 मिनट परिक्रमा करो, कटकेश्वर मटकेश्वर जागेश्वर जोगेश्वर बेणेश्वर धाम की जय जयकार करो और अपना निश्चित है कि तुम्हारी मनोकामना 100 मोहन भांजी प्रजापत लपड़ी जब तक करवा तुम्हें काम है क्या। इस बार मेले का आयोजित किया गया है, लेकिन COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए थोड़े हाथे और मेले सर की ऐसा नहीं लगाया गया है। बाकी पब्लिक आ रही है दर्शन, COVID-19 को दृष्टि में रखते हुए दर्शन भी कर रही है और मेले में संख्या भी हो रही है, लेकिन बढ़िया मेले का आयोजन हो रहा है। आज कटकेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मेला आयोजन किया गया है। कटकेश्वर महादेव कमेटी व समस्त आस पड़ोस के गांवों से लोग पधार रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में मेला भरा है, लोगों की आवाजाही भी बढ़िया है। COVID-19 की पालना करते हुए यहाँ का प्रशासन चल रहा है, शांतिपूर्वक प्रशासन मंदिर कमेटी सबका संपूर्ण सहयोग एवं पत्रकार मीडिया का भी संपूर्ण सहयोग से मेला आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद। नहीं बिल्कुल, इस साल नहीं किया जा रहा सर, इस साल प्रसाद वितरण नहीं हुआ। पानी की सुविधा की गई है, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी सपोर्ट है, लोगों के गाइड पालते हुए मास्क लगाए सबने और सोशल डिस्टेंस के ध्यान में रखते हुए सबने इस मेला का आयोजन किया। कमेटी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना इस मेले के लिए और सभी पत्रकार बंधु सभी आभार धन्यवाद। कितने लोग आने की संभावना है? और लोग तो आज के भीड़ चल नहीं रही है, जो आते हैं दर्शन करके चले निकल जाते हैं, भीड़ का कोई प्रोग्राम है ही नहीं आज। कोई परेशानी नहीं है, प्रशासन भी काम कर रहा है, प्रतिशोध मीटिंग भी चोकला के जो कार्यकर्ता है वो भी काम कर रहे हैं और सब शांतिपूर्वक काम हो रहा है।
भोलेनाथ की मेहरबानी से अभी कोई तकलीफ है नहीं, 19 कोविड के ध्यान में रखते हुए काम सब अच्छा हो रहा है। ठीक ठीक धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।